नमस्कार दोस्तों, एज ए थ्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, सोमवार को यानी 29 अगस्त को बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में रात 10 बजे के क्या सीनेरियो बन रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो एज ए निफ्टी 17,517.20 पे ट्रेड कर रहा है और डाउ जोंस -645.5 है अभी, यानी अभी ग्लोबल मार्केट अभी नेगेटिव चल रहा है फ्रेंड्स। तो हो सकता है अगर आज ग्लोबल मार्केट नेगेटिव क्लोज होता है और अगर सोमवार को भी वो नेगेटिव रहता है या प्रॉब्लम रहता है तो पूरे पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा मार्केट भी नेगेटिव ओपन होने हो सकता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, सोमवार को निफ्टी ऑप्शन और बैंक निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है मैंने 15 मिनट का, जिसको मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये पहले से लेवल मैंने मार्क करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो 15 मिनट की चार्ट में ऊपर से ये नीचे एक ट्रेंड लाइन आ रही है और नीचे से ये ऊपर एक ट्रेंड लाइन जा रहा है और हमारा मार्केट क्लोज हुआ है निफ्टी 17,558 के करीब मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। फ्रेंड्स, तो अगर सोमवार को 17,622 से लेकर 17,540 में यहाँ पे ओपन होता है फ्रेंड्स, इस लेवल पे ये मैंने नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ किया है, और अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर 17,540 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स डाउन की साइड में 17,500, दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 17,450। और अगर बाई चांस यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर ये अपसाइड में ब्रेक होता है 17,622 तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 17,690 और दूसरा टारगेट आ सकता है 17,725। लेकिन पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स अभी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि हमारा निफ्टी भी माइनस ओपन हो सकता है सोमवार को। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पे माइनस, कितना माइनस ओपन हो सकता है फ्रेंड्स अभी के सिनेरियो से। अगर फ्रेंड्स निफ्टी समझ लो कि 100 पॉइंट माइनस ओपन होता है, 70 से 80 पॉइंट माइनस होता है यहाँ पे 17,500 के करीब, तो यहाँ पे हमें कुछ टाइम तक वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्सेप्ट बनने के बाद, और उसके बाद जिस तरफ वो ब्रेक करता है हम उसी टाइप का ट्रेड ले सकते हैं। समझ लो कि यहाँ पे ओपन होने के बाद ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनाता है निफ्टी और उसके बाद ये डाउन की साइड में ब्रेक करेगा तो हम पुट ले सकते हैं, और अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो हम कॉल ले सकते हैं। और गैप अप ओपन होने की तो कोई संकेत मुझे अभी लग नहीं रही फ्रेंड्स, लेकिन अगर गैप ओपन होता है ज़्यादा से 150 पॉइंट तो वहाँ पर भी हम कुछ टाइम वेट करेंगे, कोई शूटिंग स्टार के अंदर बनने का वेट करेंगे या कोई ग्रेवी स्टोन लोजी के अंदर बनने का वेट करेंगे, उसके बाद डाउन की साइड में अगर ब्रेक होता है तो हम पुट बाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स निफ्टी का। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स सोमवार को। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने स्क्रीन पे, अगर आप चेक करोगे तो बैंक निफ्टी 38,987 पे क्लोज दिखाई दे रहा है हमें ट्रेडिंग व्यू में, और मैंने नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ किया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप चेक करोगे कि 30,151 से लेके 38,940, अगर इसी जोन में फ्रेंड्स सोमवार को बैंक निफ्टी ओपन होता है फ्रेंड्स, और ओपन होने के बाद अगर डाउन की साइड में ये ब्रेक करता है 38,940 तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 38,800, दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 38,650, और अगर बाई चांस अपसाइड में जाएगा फ्रेंड्स फ्लैट ओपन होने के बाद यानी 39,150 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अपसाइड में 39,220, दूसरा टारगेट आ सकता है 39,300। लेकिन अगर निफ्टी नेगेटिव माइनस ओपन होती है फ्रेंड्स तो हमारा बैंक निफ्टी भी नेगेटिव ओपन होने की पूरी शक्यता है, जो कहाँ पे ओपन हो सकते हैं फ्रेंड्स इस लेवल पे 38,800। अगर 38,800 पे ओपन होती है और बाद में कुछ टाइम तक यहाँ 15-20 मिनट सस्टेन करती है और उसके बाद ये डाउन की साइड में ब्रेक होता है तो हमारा ये टारगेट आ सकता है 38,650 और दूसरा टारगेट भी आ सकता है 38,550 के करीब। ओके फ्रेंड्स, और गैप अप ओपन होता है फ्रेंड्स बाई चांस ज़्यादा तो हम कुछ टाइम तक वेट करेंगे प्राइस एक्सेप्ट बनने के बाद, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।